हे दोस्तों, आप देख रहे हैं द टेक्निक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू इन्फिनिक्स के S4 स्मार्टफोन का। इस स्मार्टफोन का हाईलाइट फीचर है, इसके अंदर आपको मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा, साथ में आपको मिल जाता है ट्रिपल लेयर कैमरा। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग के साथ इन्फिनिक्स के एक अनदर स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हॉट 7 प्रो के साथ इस फोन का करेंगे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कंपैरिजन। जानेंगे S4 ज़्यादा बेटर है या इन्फिनिक्स का हॉट 7 प्रो। दोनों ही फोन 10,000 से नीचे के सेगमेंट में मिल जाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कीजिए आपके चैनल को सब्सक्राइब, साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को। अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, हमारे सामने इन्फिनिक्स S4 का बॉक्स के बैक साइड लिखे हैं कुछ स्पेसिफिकेशन। 32 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा है, ट्रिपल लेयर कैमरा का सेटअप मिलता है, 4000 mAh की बैटरी मिलती है। प्राइस इस फोन का आपको मिलेगा 8,999 में फ्लिपकार्ट पर। अगर बात करें बॉक्स कंटेंट की, तो उसके लिए हम करते हैं बॉक्स को ओपन। तो बॉक्स में आपको सबसे ऊपर मिल जाता है इन्फिनिक्स S4 का डिवाइस, जो कि मेरे पास है ब्लू वेरिएंट में। कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं, सिम इजेक्टेड टूल कार्ड मिलता है, TPU टाइप का कवर मिलता है, एक मिलती है चार्जिंग केबल जो कि है माइक्रो USB केबल। इसके साथ साथ आपको मिलता है पावर अडैप्टर जो कि है 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का। इसके साथ मिलता है आपको एक प्लास्टिक प्रोटेक्टर, ये ग्लास प्रोटेक्टर होता तो ज़्यादा बेटर होता। चलिए अब जल्दी से फैक्ट्री फिल्म्स को हटाते हैं और देखते हैं फोन के फिजिकल ओवरव्यू को। फोन के अंदर आपको डिस्प्ले मिल जाती है 6.2 इंच की HD+ IP डिस्प्ले, ये है ड्यू ड्रॉप डिजाइन के साथ आपको मिलती है। अगर बात करें ऊपर की तरफ कैमरे की, तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा मिलता है 32 मेगापिक्सल का, इसमें आपको स्क्रीन फ्लैश का फीचर्स मिलता है। बैक साइड में आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, साथ में मिलती है क्वाड रियर फ्लैश। तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 13+8+2 मेगापिक्सल का है। यहाँ मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, नीचे की तरफ लिखा है S। इसके नीचे आपको मिल जाता है चार्जिंग जैक, फोन का रिंगर, माइक और 3.5mm का जैक। फोन के राइट हैंड साइड में आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम रॉकर के बटन और एक ऑन ऑफ का बटन, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाता है सिम कार्ड स्लॉट जो कि ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, जिसमें आप 2 सिम कार्ड और 1 SD कार्ड एक साथ यूज कर सकते हैं। चलिए आप जान लेते हैं फोन के अदर फीचर्स के बारे में। फोन को मैंने ऑन कर लिया, फोन के अंदर जाऊंगा मैं सेटिंग के अंदर, सेटिंग के अंदर जाऊंगा मैं सिस्टम ऑप्शन में। यहाँ पर आपको सभी स्पेसिफिकेशन काफ़ी डिटेल के साथ लिखे गए हैं। 3GB की रैम है, 32GB की स्टोरेज है, 32MP का कैमरा है, ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप, मीडियाटेक का हेलियो P22 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है, 4000 mAh की बैटरी मिलती है और यहाँ पर स्क्रीन मिलती है HD+ की। चलिए कुछ अदर फीचर्स भी जान लेते हैं कि इसके अंदर किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी पैच मिलता है। तो एंड्रॉयड वर्जन आपको मिलता है 9, जिसे हम कहते हैं एंड्रॉयड पाई। अगर बात करें सिक्योरिटी पैच की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है सिक्योरिटी पैच अप्रैल 2019 का। स्टोरेज की बात करते हैं, इसका आपको मिलती है 3GB रैम में से 1.65GB अवेलेबल, और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 32GB में से 22GB अवेलेबल मिलती है। चलिए अभी जान लेते हैं फोन के कैमरा फीचर के बारे में। तो फोन के कैमरा फीचर के अंदर आपको मिल जाता है वीडियो का ऑप्शन, ई कैमरा, ब्यूटिफिकेशन मोड, बुक इफेक्ट और AR शॉट। अगर बात करें फोन की वीडियो क्वालिटी की, तो ये फोन वीडियो कैप्चर करता है फुल HD में। चलिए आप कुछ कैमरा सैंपल्स आपके सामने रख देता हूँ। इन कैमरा सैंपल्स को आपको देखने के लिए फ़ोन की डिस्प्ले की ब्राइटनेस को आप बढ़ा दीजिए, साथ में वीडियो की क्वालिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि इस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी किस तरह से है। मुझे इस फ़ोन का सेल्फी कैमरा काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी डिटेल्स में स्नैप को क्लिक करता है और बुक इफेक्ट भी इस फ़ोन के अंदर काफ़ी शानदार दिख रहे हैं। एज डिटेक्शन भी इस फ़ोन का मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बात करें इस फोन के साउंड की, तो साउंड इस फोन का काफ़ी ज़्यादा लाउड है। अगर एंटूटू स्कोर की बात करें, तो अप्रॉक्सीमेट 70,000 के आसपास ये एंटूटू स्कोर करता है। अगर बात करें कंपैरिजन की, तो इसका कंपैरिजन कर लेते हैं इन्फिनिक्स के हॉट 7 प्रो के साथ। इन्फिनिक्स का हॉट 7 प्रो आता है नॉट डिजाइन के साथ और S4 मिलता है आपको ड्यू ड्रॉप डिजाइन डिस्प्ले के साथ। अगर बात करें बैक पैनल की, तो यहाँ पर हॉट 7 प्रो के अंदर आपको मिलता है मेटल बॉडी, यूनी बॉडी बोलती है आपको। अगर बात करें इन्फिनिक्स के S4 की, तो यहाँ पर आपको ग्लास डिजाइन मिलता है, लेकिन ये प्लास्टिक बॉडी है। कैमरा सेटअप की बात आती है, तो इन्फिनिक्स S4 के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है, लेकिन इन्फिनिक्स हॉट 7 प्रो के अंदर 13+2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप मिलता है। रियर कैमरा सेटअप की बात करें, तो इन्फिनिक्स S4 के अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जबकि यहाँ पर आपको मिलता है ड्यूल रियर कैमरा सेटअप। अगर दोनों फ़ोनों को आप एक साथ रख देते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि दोनों फ़ोनों में बॉडी का कितना का डिफरेंस है। हालांकि मुझे बॉडी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, ऑलमोस्ट वेट एंड थिकनेस बराबर लगी। बस वहाँ पर आपको मिलते हैं ग्लास डिजाइन के साथ प्लास्टिक बॉडी और यहाँ पर आपको मेटल डिजाइन के साथ यूनी बॉडी मिलती है आपको। प्राइस की बात करें, तो इन्फिनिक्स हॉट 7 प्रो मिलता है आपको 9,999 में और इन्फिनिक्स का S4 मिलता है आपको 8,999 में।
दोस्तों आपको दोनों फोनों में से कौन सा फोन बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और डिसलाइक करके अपना फीडबैक दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।